मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स प्योर 22 कैरेट गोल्ड चेन स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 2 ग्राम। दिस इज अ 2023 स्टॉक। इट्स वेरी एफोर्डेबल एंड लाइट वेट। ऑल्सो गाइज, दिस इज वेरी रिक्वेस्टेड वीडियो एज चेन विल नेवर गो आउट ऑफ फैशन, सो यू विल बी सीइंग वेरी यूनिक एंड लाइट वेट डिजाइन। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। में आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो इस वक्त मैं हूँ मालाबार अहमदाबाद एंड आज हम लोग देखने वाले बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो, जिसमें हम लोग देखने वाले लाइट वेट प्योर गोल्ड के चैन। बहुत ही ज़्यादा यूनिक डिजाइन है, अफोर्डेबल कलेक्शन है एंड बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है। तो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना, पूरी जो डिटेल्स है आगे आपको वीडियो में पता चल जाए। दिस इज मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स अहमदाबाद, लोकेटेड एट सीजी रोड। सो इफ यू आर फ्रॉम अहमदाबाद, प्लीज डू विजिट हियर। एंड इफ यू आर नॉट एंड इफ यू वॉन्ट टू बाई समथिंग, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट देम। आई विल बी प्रोवाइडिंग कॉन्टैक्ट नंबर एंड फुल एड्रेस इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो गाइज, एज आई प्रीवियसली टोल्ड इन माई वीडियोज ऑल्सो, आई लाइक टू थिंग्स अबाउट मालाबार। द फर्स्ट वन इज वन इंडिया वन गोल्ड रेट। पूरे इंडिया में कहीं भी जाओ आपको एक ही गोल्ड रेट रहेगा। एंड द सेकेंड वन इज फेयर प्राइस प्रॉमिस। आपको जो मेकिंग चार्जेस है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं। इवन आप 2000-1000 की भी चीज़ लेते हो तो काफ़ी अट्रैक्टिव मेकिंग चार्जेस रहते हैं कंपेयर टू अदर ज्वेलर्स। सो आई लाइक टू थिंग्स अ लॉट अबाउट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड। सो आई विल बी शोइंग अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कलेक्शन टूडे एंड इट विल बी अ वेरी लाइट वेट एंड एफोर्डेबल कलेक्शन। तो गाइज, सारे जो हमारे चैन्स है ये प्योर 22 कैरेट गोल्ड के चैन्स है। सो दिस इज़ अवर फर्स्ट चैन। तो इसका जो वेट है इट इज़ लाइक 2.89 ग्राम। एंड इसका जो प्राइस आएगा हमें अप्रॉक्सीमेटली पड़ेगा ₹18,000 के आसपास। सो दिस इज़ द डिज़ाइन, क्लोजअप भी मैं आपको दिखा रही हूँ एज वेल एज आई वेयर दिस ऑल्सो, ताकि आपको थोड़ा लेंथ का वगैरह आइडिया आ जाएगा। दिस इज़ हाउ इट विल लुक। इट्स अ वेरी स्टनिंग एंड एफोर्डेबल कलेक्शन। तो कुछ इस तरह से ये चैन हमारा फर्स्ट वाला दिखेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट चैन, सारे चैन्स का थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन आपको यूनिक तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे ये चैन हो गया, आप देख सकते हो 2.88 ग्राम का, बहुत अफोर्डेबल कलेक्शन है। एंड इसका भी प्राइस हमको अप्रॉक्सीमेटली पड़ेगा 18,000 के आसपास। सो कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन आएगा, पहनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये जो कलेक्शन है ये आपके वेस्टर्न वेयर पे भी बहुत अच्छे से जाएगा, प्लस ट्रेडिशनल वेयर पे तो हमेशा जाता ही। इसमें बहुत ही हल्का सा रोडियम पॉलिश का टच दिया है, जिसकी वजह से बहुत ही यूनिक एंड खूबसूरत लग रहा है। इसका वेट है 3.81 ग्राम एंड अप्रॉक्सीमेटली प्राइस हमें इसका पड़ेगा 24,500 के आसपास। सो यहाँ पे मैंने इसको पहना है, दिस इज़ हाउ इट विल लुक। तो यहाँ पे लाइट वेट से लेके हेवी वेट तक के सारे चैन हैं। तो मैंने आपके लिए मोस्टली लाइट वेट ही निकाले हैं, बिकॉज आपकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी गोल्ड चैन के लिए। ऑलमोस्ट 5 ग्राम का ये चैन है, 4.99 ग्राम के आसपास। ₹31,200 के आसपास इसका प्राइस आएगा, लेकिन 22 कैरेट गोल्ड है तो लुक एट द शाइनिंग वगैरह इसकी बहुत अच्छी है। एंड मेकिंग चार्जेस इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा लीस्ट आएंगे आपको, तो काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव मेकिंग चार्जेस है। तो कुछ इस तरह से दिखेगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा चैन अच्छा लगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चैन है, इसका डिज़ाइन आप देख सकते हो बीच में थोड़ा अलग है। तो इसका जो वेट है फ्रेंड्स वो आएगा 6.44 ग्राम के आसपास। एंड अभी इसका अप्रॉक्सीमेटली प्राइस हमें पड़ेगा 40,200 के आसपास। लेकिन इसका जो लेंथ वगैरह है ना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, तो क्लोजअप में आपको दिखा रही हूँ। कुछ इस तरह से दिखेगा। एंड पूरे गले में ऐसे, अगर आपको ब्रॉड चेन लेना है तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप डेली वेयर भी पहनते हो या ऑफिस वेयर में भी पहनते हो तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, इतना इसका लेंथ आएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, एंड ये थोड़ा सा थिन टाइप में आएगा इसका जो डिज़ाइन है वो। 3.58 ग्राम इसका वेट है एंड कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन दिखेगा, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ। लेकिन शाइनिंग वगैरह इसकी बहुत अच्छी है। अप्रॉक्सीमेटली प्राइस आएगा 22,400 के आसपास। सो ऑलमोस्ट हमारे सारे चैन है अंडर 40,000 है एंड अंडर 5-6 ग्राम ही है, तो बहुत ज़्यादा एफोर्डेबल कलेक्शन है। दिस इज़ अ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स 2023 कलेक्शन। दिस इज़ हाउ इट विल लुक। तो अगर आपको थोड़ा सा शॉर्ट में जाना है तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मूविंग टू द वेरी ब्यूटिफुल एंड गॉर्जियस चैन फ्रॉम टुडेज़ वीडियो, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी है। इसका जो पैटर्न है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको हल्का सा नॉर्मल नेकलेस पहनना है तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। 8.12 ग्राम इसका वेट है, जैसे कि आप देख सकते हो। 48,800 के आसपास इसका प्राइस आएगा। तो अगर आपको किसी छोटे मोटे फंक्शन में जाना है एंड इफ़ यू डोंट वांट टू गो विद द हैवी ज्वेलरी, आई थिंक दिस विल बी द परफेक्ट ऑप्शन एंड दिस इज़ हाउ इट विल लुक। एंड इसके ऊपर आप इयररिंग्स भी हाथ से परचेस कर सकते हो, तो एक बहुत ही अच्छे लाइट वेट आपका सेट बन जाएगा।
मूविंग टू द नेक्स्ट एंड अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल एंड यूनिक डिज़ाइन जो कि आपको थोड़ा सा लाइट वेट हेवी लुक देगा। 6.86 ग्राम की हमारी ये चैन है। इसका अप्रोक्सीमेटली प्राइस पड़ेगा 42,600 के आसपास। बट लुक एट द डिज़ाइन, इट्स वेरी यूनिक एंड गॉर्जियस। जब आप पहनोगे ना ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी एंड जो शाइनिंग है तो काफ़ी अच्छी है, पूरे अटैच लेयर टाइप है तो कुछ इस तरह से दिखेगी। तो अगर आपको ब्रॉड में जाना है तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मूविंग टू द नेक्स्ट विच इज़ लिटिल बिट लॉन्ग, तो फ्रेंड्स इसका जो डिज़ाइन है कुछ साखली पैटर्न में आ जाएगा, ऐसे राउंड राउंड में आप देख सकते हो। 4 ग्राम का हमारा ये चैन है, कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन आएगा। जो प्राइस है इसका 25,100 रुपीज़ के आसपास है। एंड अगर आपको थोड़ा लॉन्ग चैन में जाना है तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा है, तो कुर्ती के ऊपर भी पहन सकते हो। एज आई हैव वोर हियर अ कुर्ती ओनली, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो आप इसको एक बार चेक कर सकते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट एंड अगेन अ लिटिल बिट थिन चैन, तो ये वाला थोड़ा सा आपको लाइट वेट हेवी लुक देगा। इसका जो वेट है 6 ग्राम के आसपास है एंड इसका जो प्राइस आएगा 37,500 के आसपास आएगा। अगर आपको कुछ भी परचेस करना है तो आप प्लीज़ इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, दे विल अंडरस्टैंड कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं, या फिर स्क्रीनशॉट भी दिखा सकते हो। तो दिस इज़ हाउ इट विल लुक। तो मुझे ये चैन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स प्योर 22 कैरेट गोल्ड चैन। ये है 2023 का स्टॉक एंड इट्स माय फर्स्ट वीडियो, सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना है। टिल देन प्लीज़ लाइक करना इस वीडियो को, शेयर करना है।